पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में इन दिनों बदमाशों में कानून का खौफ नहीं रह गया है और आए दिन बेधड़क वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। पहले कानपुर का बिकरू कांड, फिर लैब असिस्टेंट के अपहरण के बाद हत्या, तो गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या और गोंडा में कारोबारी के बच्चे के अपहरण के बाद अब कासगंज में बदमाशों का खूनी खेल। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रही, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज में वीकली लॉकडाउन के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भी मौके से फरार हो गए। मामला सोरो थाना क्षेत्र के होडलपुर गांव का है, जहां पर रविवार की देर शाम एक गुट के 15 से 20 हथियारबंद लोगों ने प्रधान के परिवार पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। घटना के पीछे 1.5 साल पहले ऑनर किलिंग की घटना में आपसी रंजिश बताई जा रही है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने देर तक पुलिस को गांव में घुसने नहीं दिया। हमने 3 दिन से कोतवाल साहब को सूचना दे रहे थे कि हमें घेरने के लिए ये लोग तैयार हैं, और कोतवाल साहब ने 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। परसों FIR क्या दी थी थाने में, तो मैंने हमने कही थी, तो उन्होंने कही थी एक काम करिए आप एप्लीकेशन दी। कल हमने एक एप्लीकेशन दी थी साहब, आज दो पुलिस वाले गए थे साहब गांव में, बोले तुम इस रत्ते से नहीं निकलोगे, ये मार डालेंगे तुमको। हमें उन्हीं पुलिस वालों के सामने उन्हीं के घर पर हमें बुलाया और वो गाड़ी दे रहे, पुलिस वाले चुपचाप लौटाए साहब। हमने कही, अब उन लोगों ने कही तुम इधर से नहीं जाओगे, मैं सर जाएंगे कहाँ है कि रत्ते ही तो जी, हमको घर ना पहुँचे, हम कभी दुकान बंद करके घर तो जाएंगे कभी, भाई मरेंगे तो आज मारें या कल मारें, नहीं जाना तो है ही घर है, अब जहाँ दुकान पर बैठे रहेंगे काम। वहीं कासगंज में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कासगंज जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार की हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है। पहले विकास दुबे गोलीकांड और फिर कानपुर में लैब असिस्टेंट के अपहरण के बाद हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह गाजियाबाद में पिछले एक हफ्ते एक पत्रकार की बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्रकार की हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपनी भांजी के साथ छेड़खानी करने वालों की शिकायत दर्ज कराई थी। सोरो थाना क्षेत्र में होडलपुर गांव में आज 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए रेफर किया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को और हल्की चोटें आई हैं, लेकिन वो ठीक हैं, उनको उनकी स्थिति खतरे के बाहर है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, 2-3 अलग तरह की रंजिश उन्होंने बताई हैं। पिछले साल भी मुकदमा हुआ था, एक मर्डर हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें एक लड़का और लड़की का, जिसमें कुछ पक्ष जेल गया था, तो उन्हीं सब घटनाओं का मिला जुला यह नतीजा था कि आज ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है और जितने भी लोग इसमें अक्यूज थे सब पुलिस की कस्टडी में है, आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर थाना सोरो पुलिस गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश से करीब 20 मिनट तक गांव के बाहर ही खड़े। ASP आदित्य वर्मा के साथ जिले भर के थानों की फोर्स पहुंचने पर ही गांव में प्रवेश किया जा सका। वहीं ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद आरोपी गांव में ही छिपे हुए थे। देर रात तक चली पुलिस की घेराबंदी में मुख्य आरोपी पड़ोस में स्थित मकान की 3री मंजिल से पुलिस ने 7 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।
इन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इन्हें थाने भेज दिया, जिससे ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार न बन सके। हिरासत में लिए गए लोगों में मुख्य आरोपी के बताया जा रहा है। कासगंज में हुई 3 हत्याओं के बाद कासगंज में एक बार फिर से सनसनी है। आपको बता दें, कासगंज जनपद में आज तबाह तोड़ फायरिंग करके एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर आईजी पहुंचे हैं और घटना स्थल का भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें, पुरानी रंजिश के चलते सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव होटलपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ कासगंज के गांव होटलपुर में। आप देख सकते हैं, एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई थानों के पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है कि गांव में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। वही मौके पर पहुंचे आईजी का बयान सामने आया है कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस उन 8 आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो उन्होंने तबाहतोड़ गोलियों से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी। फिलहाल लाइव टुडे के लिए कासगंज से मैं आयुष भारद्वाज।